नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। इस वक्त जो हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार हिंसाएं चल रही हैं। सरकार मनाना चाहती है लेकिन मना नहीं पा रही है। नए नए वादे किए जा रहे हैं लेकिन उन वादों में शायद कोई दम नहीं है, इसलिए युवा मान नहीं रहे हैं। सरकार इसमें लगातार अमेंडमेंट कर रही है। इन्हीं अमेंडमेंट करते करते सर कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके मुंह से ऐसे शब्द निकल आ रहे हैं जिससे युवा शांत होने की जगह और ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, उन्होंने तो यह तक भी कह दिया इंदौर में बैठकर कि जो रिटायर होकर आएंगे अग्निवीर, उन्हें बीजेपी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। तो इससे काफी आक्रोशित है जो युवा है। वहीं पर अब एयर चीफ मार्शल हैं वीआर चौधरी, अब उन्होंने संबोधित किया है युवाओं को और एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, आप जो हिंसा कर रहे हैं यह बहुत गलत है। देश में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सरकार से यदि आक्रोशित भी हैं तो आप एक अहिंसात्मक आंदोलन कर सकते हैं। आप बाहर आ सकते हैं सड़कों में लेकिन अहिंसात्मक होकर। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित होने के बाद उन पर FIR दर्ज की जाएगी। और जब भर्तियां निकलेंगी, भर्तियों के दौरान पुलिस क्लियरेंस मांगा जाएगा। और जब आप पुलिस क्लियरेंस नहीं करवा पाएंगे, आप पर FIR दर्ज होगी, आप पर केस चल रहा होगा, तो यकीन माने आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। एयर मार्शल चीफ मार्शल है VR चौधरी, उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी दी है ये युवाओं को। इस चेतावनी का कितना असर पड़ेगा, क्या युवा इस हिंसात्मक प्रदर्शन को खत्म कर देंगे या फिर युवा एक अहिंसात्मक प्रदर्शन करेंगे, भले ही हिंसा खत्म हो जाए लेकिन किसानों की तरह सड़कों का घेराव करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर एयर चीफ मार्शल ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि यदि आप पर FIR दर्ज हुई और पुलिस क्लियरेंस नहीं मिला तो आपको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलेगी, ना ही BSF, ना ही CISF, CRPF, सेना, पुलिस, किसी भी प्रकार की नौकरी पाने से आप वंचित रहेंगे। यह चेतावनी दी है। अब सरकार तंग आ चुकी थी, यह हिंसात्मक प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो सरकार ने अब कहा है कि एयर चीफ मार्शल आप आए, आप आकर संबोधित करें, शायद युवा आपकी बात समझ जाए और चेतावनी भरे लहजे में इस बात को कहें। यदि हम कहेंगे तो हम ही इस योजना को लेकर आए हैं, तो यहां पर युवा और सुलग उठेंगे। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह सकते थे, अमित शाह भी कह सकते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने यह बात नहीं कही कि युवा और सुलग जाएंगे, उनमें और रोष की भावना जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है, आप फिर उसमें हमें चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए गैर सरकारी व्यक्ति को लाया जाता है जिसका जुड़ाव सेना से है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में युवाओं को समझा दिया। देखने वाली बात यह होगी, क्या युवा एयर चीफ मार्शल की बात को समझते हैं, समझने के बाद हिंसात्मक आंदोलन खत्म कर देते हैं, या तो यह जो आंदोलन चल रहे हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, या फिर एक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी होगा जिस तरह से किसानों ने जारी किया था, जिस तरह NRCCA को लेकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या एयर चीफ मार्शल की बात को युवा समझेंगे, क्या यह हिंसात्मक आंदोलन खत्म हो जाएंगे? इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।